जय हिंद। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी लगने जा रहा है। फांसी देने की क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के पास किस तरह से क्षमादान किया जाता है, राष्ट्रपति किसके मतलब सलाह के आधार पर क्षमादान करते हैं और कितने प्रकार से क्षमादान होता है, इसको हम समझते हैं। अभी जो हालिया घटना हुई है शबनम का, वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला का एक मामला है। 15 अप्रैल 2008 को एक बहुत ही संपन्न घर की लड़की थी जिसका नाम था शबनम, वो अपने इकलौती लड़की थी, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, उन्होंने बहुत नाजों से, जिस तरह से हर माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं वैसे उन्होंने पाला था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एमए कराया था, लेकिन उस शबनम को अपने ही गांव में एक लड़के से प्रेम हो गया जो 8वीं फेल था, जिससे मिलने जुलने से शबनम के घर वाले ऐतराज जताते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये शबनम जो थी अपने घर वालों को, परिवार के सदस्यों को नींद की गोली देकर और अपने मित्र से मिलने चली गई वहां पर, और जिससे वो प्रेम करती थी, उसका नाम सलीम था, 8वीं फेल था। उसने इसे आइडिया दिया कि देखो तुम्हारे परिवार वाले जो है बीच में रोड़ा बन रहे, एक काम करो अपने परिवार वालों को मार डालो। अब वो शबनम उसकी बात सुन ली और वो उसका सलीम जो था कहा कि हम चले जाते हैं, तुम एक काम करना मार देना, उसके बाद खुद शोर मचाना कि कोई मार के चला गया। शबनम आके देखी कि जो लोगों को नींद की गोली दी है वो सारे के सारे लोग अभी सोए हुए हैं। इसने अपने परिवार में 7 लोगों का कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दिया। इसमें उसने अपने माँ बाप, 2 भाई, उनकी एक पत्नी यानी भाभी, एक भतीजा, एक मौसी की लड़की, 7 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया अपने प्रेम के चक्कर में। बारे ऐसन प्रेम लातना मारो ऐसन प्रेम को। उसके बाद होशियारी देखी, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। उसने क्या किया, हल्ला करने लगी कि मेरे घर में मर्डर हो गया, हत्या हो गया। पुलिस आई जांच करने लगी तो पुलिस को पहले लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा हत्यारा होगा जो मर्डर करके चला गया होगा, क्योंकि कोई भी एक महिला इतने निर्मम हत्या नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में जब जांच हुआ शबनम का, तो शबनम प्रेग्नेंट निकली। अब शबनम की शादी नहीं हुई थी, प्रेग्नेंट निकली तो सीधा बात चला जाता है। बाद में शबनम ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आके मतलब उसने ऐसी हत्या किया है। शबनम का अभी एक बेटा भी है जो सलीम का ही है, मतलब ताज उसका वर्तमान नाम है। इतने जघन्य अपराध होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सभी ने शबनम को फांसी की सजा सुनाया। शबनम के वकील राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील यानी अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए दया याचिका के लिए गए थे, किंतु राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि शबनम का छोटा बेटा ताज, उसने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि उसकी माँ को मत फांसी दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से वो मतलब एक माँ का साया उठ जाएगा। लेकिन भाई जघन्य अपराध करेंगे आपको छोड़ने का मतलब समाज में एक गलत संदेश जाएगा। तो शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फांसी देने वाला रस्सी बक्सर से आता है, फांसी देने से पहले उतने ही वजन का पत्थर को एक बोरे में रख के लटकाया जाता है, जिससे कि पूरी तरह से रिहर्सल हो। पवन जल्लाद जो निर्भया के दोषियों को फांसी दिए थे, वो भी पहले से मथुरा जेल तक पहुंच चुके हैं। अभी मथुरा जेल को प्रशासन को केवल डेथ वारंट का इंतजार है। जैसे ही डेथ वारंट आएगा, भारत की पहली महिला शबनम को फांसी लटका दिया जाएगा। अब ये जो मर्सी अपील होती है, इसे किया कैसे जाता है, इसे समझते हैं हम लोग। हमारे संविधान का अनुच्छेद 72 जो होता है, वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन यह क्षमादान जो होती है वो टोटली गृह मंत्रालय के अंडर में होती है। एग्जाम में यह क्वेश्चन याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षमादान 5 तरीके से होता है। अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं तो ये जरूर याद रखेंगे, 5 कैटेगरी। अदरवाइज छोटा मोटा एग्जाम में तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है, तो आर्टिकल 72 में, यही बहुत है। पहला होता है क्षमा यानी पार्डन। देखिए, ये सबसे पावरफुल चीज होता है। जब कभी भी राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के मतलब सलाह पर, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे कि गृह मंत्रालय के सलाह पर, आप समझ जाइएगा कि जब भी डिसीजन लेंगे तो गृह मंत्रालय के सलाह पर लेंगे, तो जब कभी भी राष्ट्रपति कितना भी बड़ा अपराध या कितना भी छोटा अपराध को पूरी तरह उसको माफ कर देते हैं और कहते हैं तुम चले जाओ, तो उसे कहते हैं पार्डन या क्षमा। इसके बाद वह व्यक्ति एक नॉर्मल हो जाता है, आम आदमी हमारी और आपकी तरह हो जाता है। ये इतना पावरफुल होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अभी मुकदमा चल ही रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो मुकदमा चलने के दौरान भी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि नहीं, इसे हम सजा से मुक्त करते हैं। तो ये ही चीज याद रखेंगे, इसमें पूरी तरह कंप्लीटली माफ कर दिया जाता है, अंडर ट्रायल में भी माफ कर दिया जाता है। ये सबसे पावरफुल होता है। तो पहला हो गया क्षमा। दूसरा जो होता है लघुकरण, इंग्लिश में इसे कम्यूटेशन कहते हैं। लघुकरण में क्या होता है कि सजा का जो नेचर होता है उसे बस बदला जाता है, लेकिन सजा की टाइमिंग को नहीं चेंज किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें केवल नेचर चेंज किया जाता है। जैसे किसी को 10 साल कठोर सजा है, कठोर सजा का मतलब जेल में आपसे कठोर काम करवाया जाएगा।
तो किसी को अगर 10 साल कठोर सजा है और राष्ट्रपति को लगता है वो गया राष्ट्रपति से दया याचिका करने के लिए, तो राष्ट्रपति को उचित लगेगा कि भैया इसको माफ नहीं करने लायक है, बहुत खतरनाक अपराधी है। तो राष्ट्रपति यदि उस पर लघुकरण यानी कमुटेशन कर देंगे तो उसकी 10 साल की सजा 10 साल ही रहेगी, बस उसका क्या बदलेगा, नेचर बदलेगा, तो कठोर से वो साधारण कारावास में हो जाएगा। यानी 10 साल कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदल दिया, यानी टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, केवल उसका नेचर यानी प्रकृति बदल गई, तो उसे कहते हैं हम लोग लघुकरण। अब इसी लघुकरण का एक दूसरा रूप होता है, उसे हम लोग कहते हैं परिहार। देखिए परिहार जो है ये लघुकरण की तरह मिलेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसे कहते हैं रिमिशन। इसमें क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो गया, इसमें नेचर नहीं चेंज किया जाएगा, इसमें केवल टाइमिंग को घटा दिया जाएगा, इसमें नेचर चेंज नहीं होता है, टाइमिंग घटाई जाती है। जैसे 10 साल कठोर कारावास है, 10 साल कठोर कारावास है, देखिए इसमें नेचर नहीं चेंज होगा, कठोर का कठोर ही रहेगा, बस टाइमिंग घटा दिया जाएगा, 10 साल से इसे 5 साल कर दिया जाएगा, तो केवल और केवल टाइमिंग घटाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं परिहार के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह कौन सा ऐसा चीज है, मतलब कौन सा प्रावधान है जो फांसी की सजा पे नहीं लगता है। तो देखिए भैया परिहार जो है ना, ये रिमिशन, ये फांसी पे लगता ही नहीं, क्यों, क्योंकि भैया नेचर चेंज नहीं होना है, यानी फांसी का फांसी ही रहेगा, केवल टाइम को घटाना है, तो क्या टाइम घटाएगा, नहीं इसे आधा घंटा की जगह 20 मिनट फांसी दो, अरे भैया 20 मिनट दो तो 15 मिनट दो, टाइमिंग से क्या मतलब है, टांग दोगे मरबे करेगा वहां पे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, इसे फांसी की सजा पर कभी भी परिहार नहीं हो सकता है। हाँ, पर फांसी की सजा पर लघुकरण हो सकता है, जैसे किसी को फांसी हो गई है तो फांसी का नेचर चेंज कर दीजिए, उसे आजीवन कारावास में बदल दीजिए। आजीवन कारावास में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का लघुकरण हो गया, मतलब कैटेगरी चेंज करना, और इसमें केवल टाइमिंग चेंज करना। तो ये तीन समझ गए, अब चौथा और पांचवा समझते हैं। देखिए चौथा जो है वो है विराम। विराम को हम लोग रेस्पाइट्स कहते हैं। विराम कब लगाया जाता है, जब जेल में कोई कैदी है उसका हेल्थ खराब हो जाए, जैसे जेल के अंदर कोरोना हो जाए या उसे टाइफाइड हो जाए या बड़ी बीमारी हो जाए, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और उसे नेचुरल मतलब जमानत टाइप में छोड़ दे सकते हैं, या फिर जेल में ही एक अलग से रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी कैदी के नेचर पर डिपेंड करता है, ताकि जब वो स्वस्थ हो जाए तो उसे वापस जेल में लाया जाए, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसके ऊपर भी विराम या रिस्पाइट लगा सकते हैं। जैसे शबनम केस में वो गर्भवती थी जब वो जेल में थी, तो उसे जेल मेनू के हिसाब से नहीं रखा जाता है, उसे क्या किया जाता है, एक मतलब जिस तरह से गर्भवती महिला को ध्यान रखा जाता है या एक मरीज को ध्यान रखा जाता है, तो उसमें किया जाता है। तो स्वास्थ्य आधार पर हम लोग विराम को लगाते हैं। अब पांचवा नंबर आता है, ये सारा का सारा चीज अनुच्छेद 72 में ही है, याद रखिएगा आर्टिकल 72। अब आता है प्रविलंबन। अभी तो यही राष्ट्रपति ने लगाया है फांसी पर, इसे रिप्राइव कहते हैं। अभी देखिए प्रविलंबन में क्या होता है, ये स्पेशली फांसी के लिए ही आता है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है तो उसको रोकने के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं रोकना है, टेम्पोररी रोकना है, तो टेम्पोररी रोकने के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रविलंबन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कह दिया आपको 25 फरवरी को फांसी दे दी जाएगी, अब आज की तारीख है 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें 25 फरवरी को फांसी दे दें, तो वकील को लगता है कि भैया एक हफ्ता मेरे पास टाइम है, हम राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगने चले जाएंगे कि भैया माफ कर दीजिए, पता चला राष्ट्रपति गए हैं अमेरिका दौरा पे, तब तो बेचारा को टांग देगा सब यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति है ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर जाते हैं, प्रविलंबन कर देते हैं कि भाई साहब एक काम करो, अभी इसकी फांसी की सजा को रोक दो, हम अपना दौरा निपटा के आएंगे या फिर काम हम निपटा के आएंगे, फिर हम इसकी फाइल देखेंगे, फिर हम कहेंगे कि इसे माफ किया जाता है या नहीं, और जब हम कह देंगे नहीं इसे नहीं माफ करते हैं, जैसे अभी के इसके फांसी की सजा पर अभी भी रोक है, जो शबनम है उसे कहां फांसी दिया गया, हाँ कंफर्म है कि फांसी देना है लेकिन उस पर रोक लगा हुआ है, किसी को डेट नहीं पता, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी क्या लगा हुआ है, प्रविलंबन, राष्ट्रपति ने रोका हुआ है कि जब तक मेरा प्रविलंबन है तब तक फांसी नहीं लग सकती। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रविलंबन हटा लेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट एक डेट डिसाइड कर देगी, भैया इस डेट को इसको टांग दो, ससुरी बहुत कूद रही थी, टांग दिया जाएगा, मर जाएगी वहां पर। तो आप ये पांचों टाइप का कैटेगरी समझ गए, ये सारा का सारा पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिला था, लेकिन राज्य का जो मुखिया होता है वैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को भी ये सारी शक्तियां मिली होती हैं, बट आर्टिकल अंतर याद रखेंगे वो 161 के तहत मिलता है। तो राज्यपाल 161 के तहत क्षमा कर सकता है और राष्ट्रपति 72 के तहत, दोनों में अंतर क्या है, राष्ट्रपति किसी भी तरह की सजा को माफ कर सकता है जिसमें इंक्लूड है फांसी भी, राज्यपाल जो है सब सजा माफ कर सकता है लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता।
राष्ट्रपति जो है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यानी तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, इसलिए कोई सेना का न्यायालय है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, उसने कोई सजा सुना दिया किसी फौजी को कि तुमने नियम तोड़ा है, हम तुम्हें 10 साल की सजा सुनाते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को भी माफ कर सकता है। बट राज्यपाल, सेना के मामले में राज्यपाल को कोई पावर ही नहीं है, इसलिए राज्यपाल फांसी की सजा और सेना के न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब यूएसए का कानून देखिए, अमेरिका के कानून में जो राष्ट्रपति हैं, अभी जो बाइडन है, जो बाइडन भी किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बाइडन भी अमेरिका के राष्ट्रपति, सेना ने अगर किसी फौजी को सजा सुना दिया, अमेरिका के किसी फौजी को सुना दिया कि कर्नल ने तुमने अपने सीनियर का आदेश नहीं माना, तुम्हें 10 साल की सजा, तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। यानी यहां तो आपको दिख ही रहा है कि राज्यपाल से ज्यादा पावर राष्ट्रपति को है, और भारत के राष्ट्रपति का पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर से ज्यादा है, किस मैटर पे, मतलब सजा माफ कराने के मैटर पे। तो अनुच्छेद 72 में 5 प्रकार की क्षमा समझ में आ गया आप लोग को। रही बात शबनम की, तो शबनम की फांसी लगना एकदम फिक्स है, और सारी लड़कियों को कहते हैं, देखो भाई साहब, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है, बिना किसी स्वार्थ के उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और किसी दूसरे 6 महीना के प्यार के चक्कर में माँ बाप को कोई मार दिया। और आजकल के भी देखते हैं लड़का लड़की भाग जाता है, अरे कभी सोची हो लो कि भागने के बाद वो भाई किस तरह से समाज में रहेगा, छोटे छोटे बात पर मोहल्ले के लोग ताना देंगे आपके पिताजी को कि तू क्या बोलता है, तेरी बेटी भाग गई थी, तेरा तुम्हारा बहन भाग गई थी, तुम्हारा भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि दो दिन का लड़का कॉलेज ट्यूशन स्कूल में मिलता है, आपका जिंदगी भर साथ निभाएगा? बस एक बार कहिए ना कि हमको कोई प्रॉब्लम है, गई है, मेरे किडनी में पथरी हो गया है, प्लीज हमें ऑपरेशन कराना है, 50,000 रुपये का इंतजाम करा दो, कहीं से भी, एक महीने के अंदर सब प्यारा का आपका होश ठिकाने आ जाएगा, सब प्यार कहाँ होता है। लेकिन जिस बाप के घर में 50,000 रुपये नहीं है ना, वो अपने आप को भी बेच देगा, लेकिन आपके लिए वो करके देगा। लड़कियों को 2-4 बात लड़के बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। लड़की खुश रही है, वाह 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 भाई, शाहजहां है मेरे लिए तो ताजमहल बनवा देगा, घंटा बनवा रहा है तो रहिए यहां पर। अब माँ बाप को भी कहते हैं अपने लड़कियों को स्पेशली, भाई देखिए भारत का समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ लड़का 10 गलती करता है तो लोग नहीं खोजते हैं, लड़की 1 गलती करने लगती है तो सब खोजने लगते हैं उसको, ऐसे की ऐसे। तो माँ बाप को भी सही चाहिए, उनकी लड़की को भेजेंगे अपनी पढ़ने, जा पटना जा पढ़ लो, दिल्ली जा पढ़ो, आएगी तो देखेगी, अरे वाह कितना अच्छा हाथ में घड़ी है, 2000 का घड़ी है, मम्मी पूछेगी कहाँ से घड़ी ली बहू, तो मेरी सहेली गिफ्ट की है, सहेली गिफ्ट की है उसको, इतना पैसा रखा हुआ है सहेली को, इग्नोर करते हैं माँ बाप भी वहां पर। और जिस दिन घड़ी में तो पापा की लड़की परी लगेगी, जिस दिन उड़ेगी तो पाप कहेंगे भाग गई लो हमारा बेटी, अरे शुरू से ध्यान दीजिए वहां पर, यहाँ पर। अरे यहाँ तो लड़का लड़की घर जाता है तो रास्ते में अपना चैट डिलीट करके जाता है, मोबाइल वोबाइल है यहाँ पे, तो सबको कहते भाई साहब जो लड़के क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, यहाँ कोई लड़का लड़की नहीं पढ़ता है, माँ बाप के अरमान बैठ के पढ़ाई करते हैं, और उसको आप लोग रौन देते हैं। और लड़कों को भी कहते हैं यार प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ यार, मुस्कुराने के चक्कर, लड़कियां का मुस्कुराने पे नहीं जाना चाहिए, लड़की जब तो मुस्कुरा के गोलगप्पा वाले की गिनती भुलवा देती हैं, हंसी पे चल जाते हैं, यहाँ पे सबके साथ ओइन बतियाएगी सब हंस हंस के। एक लड़का आ रहा था मेरे क्लास में, आया कहा सर हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा मतलब ऐसे हो गया, ब्रेकअप हो गया, क्योंकि काहे सुसाइड करेगा, कह रहा है कि सर उसके जैसी लड़की हमको मिल ही नहीं सकती है, कभी नहीं, दुनिया में मिलेगी नहीं। हम कह सुन सुन सुन, जब वो तुमको नहीं मिली थी तो तुमको पता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, नहीं ना, मिलने के बाद ना तुमको पता चला, वैसे ही दुनिया में बहुत ही लड़की है, मिलेगी ना तो उससे भी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि ताजमहल से अच्छी कोई बिल्डिंग नहीं बनी, सब चीज होता है। लेकिन देखो भाई 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जो पापा खोज के लाएंगे। लड़का लड़का ब्रेकअप के चक्कर में, सीबीएसई वाले लड़कों का ना ब्रेकअप होता है ना तो अपना नस काट लेता है, और हिंदी मीडियम वालों का ब्रेकअप होता है तो पहाड़ काट देता है, वहां पे देखिए माझी को पहाड़े काट दिया वहां पे। तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम, एक औरत का चरित्र और पुरुष का तकदीर भगवान को भी नहीं पता होता है। तो भाई लड़का लोग मन लगा के पढ़ाई करो, लड़की लोग भी भैया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा से घर द्वार रखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, ऐसा मत काम करो कि अगले दिन न्यूज बन जाए तुम्हारे लिए और माँ बाप का नाम शर्म से डूब जाए। आई होप आप राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वगैरह समझे होंगे और लड़का लड़की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।